और जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर हो चुका है वो है हमारा चॉकलेट बॉय फैज। आपको पता नहीं है फैज कि आपके यहाँ आने के बाद मोहल्ले में क्या हुआ है। आपके मोहल्ले वाले बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं, दीवाने हो गए हैं। देखना चाहेंगे? बिल्कुल भैया। ये देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में। कोई अनदेखा अनजाना आने लगा है ख्यालों में। 23 अप्रैल 2022 को पूरे देश में छाया एक खुमार, उसकी अदाओं का बुखार। आज पूरा देश हमारे फैज की हर एक अदा की नकल कर रहा है। सुपरस्टार सिंगर में फैज भैया है जिनको सब चॉकलेट बॉय बोलते हैं। मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ। उनकी लाइफ स्टाइल सब मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको रोज फॉलो करता हूँ। फैज भैया जो चॉकलेट बॉय है उनको देख के मैंने भी अभी गिटार क्लासेस चालू कर दिया। फैज मेरे पास ही आता है हेयर स्टाइल के लिए। बचपन से मैं ही हेयर स्टाइल करता हूँ उनका। जो हेयर स्टाइल मैं करता हूँ उसका नाम चॉकलेट पड़ गया, चॉकलेट हेयर स्टाइल। मेरे पास जितने भी लड़के लोग आते हैं सब लोग बोलते हैं फैज के जैसे हेयर स्टाइल चाहिए मुझे। फैज की वजह से जोधपुर में मेरा सैलून बहुत फेमस हो चुका है। मुझे फैज की आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है और उसका गाना भी बहुत अच्छा लगता है। उसका गाना इतना अच्छा है, मीन्स वो क्या गाता है, बहुत अच्छा गाता है वो। हमारे मोहल्ले का नाम है सेक्टर 14, बट अब उसको फैज नगर से जानते हैं। उसने इतना फेमस कर दिया है। क्या बात है मेरे फैजू। फैज हमें भी सिखाए वो स्टाइल जो उसका है। आप ही नहीं, हम सब सीखना चाहेंगे। आइए पवनू, फैज बहुत एक्साइटेड है आपको ये सिखाने के लिए। फैज सिखाइए हमें म्यूजिक। मैंने एक चीज ऋतुराज में नोट की, सब लोगों ने परफेक्ट तरीके से किया। तुमने अपने बाल जब झटके और उसके बाद अपने हाथों को देखा, तुम्हें क्या लगा कि वो बाल यहाँ पर आ जाएंगे? नकली बाल है? ये बाल तुम्हारे असली है बेटा? नकली है, टोपी पहनी है इसने बालों वाली। Okay, Fez, all the best. Thank you, everybody. Arunita, आज सारे कैप्टन्स के तेवर खतरनाक दिख रहे हैं ना? हाँ भैया। मैदान पर आप किसे उतारना चाहेंगे? आदि भैया। जी। अब मेरी टीम से जो आ रहा है वो है हम सब का फेवरेट, हमारा चॉकलेट बॉय फैज, और उसके साथ आ रही हूँ मैं। और टाइगर भी आ रहे हैं हमारे साथ? टाइगर को यही रहने देते हैं। तो चलिए फैज और अरुणिता देखते हैं आपसे मिलने कौन आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। और मेरा नाम दीपशिखा। हम पेरेंट्स हैं प्रथमेश सिन्हा के। बच्चे जो होते हैं वो अपने मम्मी पापा के नाम से जाने जाते हैं, पर ये बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब एक पेरेंट अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम प्रथम सेना के एक प्राउड पेरेंट हैं। प्रथमेश विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन वो एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक बच्चा है। प्रथमेश को ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम था, जो कि उसे 16 मंथ्स में हमने फाइंड आउट किया। और ब्रेन ट्यूमर ने उसके ऑप्टिक नर्व को इतना सप्रेस कर दिया कि उसका विजन लॉस हो गया। प्रथमेश की जो विजन है वो जन्म से बहुत नॉर्मल थी, वो जन्म से प्रॉब्लम उसकी नहीं थी। जब से वो शार्क टैंक में आया उसकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट हो गया। लोग उसे रिकॉग्नाइज भी करने लगे, लोग उसे जानने भी लगे, और सबसे बड़ी बात है कि लोग उसे प्यार बहुत करने लगे।
जहाँ जाए महफूज हो। तू जहाँ जाए महफूज हो। दिल मेरा मांगे बस ये बातें कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ को बया। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। Historic performance, outstanding performance. Sone di, oh, what's that? Sone.
कुछ कहने से पहले कि आप दोनों ने दुनिया हिला दी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.